असलकुम आप देख रहे हैं अलिनाज़ कुकिंग यूट्यूब चैनल और आज हम बनाएंगे इवनिंग स्नैक्स यानी शाम के नाश्ते की चीज़ें तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे यहाँ मैंने ली अक्खा मसूर की दाल दो कप उसको धोकर मैंने चार घंटे पहले भिगा कर रखी थी इसको हम चॉपर में डाल देंगे और अच्छी तरह से पीस लेंगे लेकिन इसमें हमने पानी नहीं मिलाना है देखिए इस तरह से हमने इसको पीस लेना है अभी इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन कटा हुआ धनिया और लाल मिर्ची धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर रेड चिली पाउडर हल्दी पाउडर और नमक और इसको वापस से हमने चॉपर में घुमा लेना है इस तरह हो जाए तो इसके अंदर फिर हम बेसन मिला देंगे उसको वापस पीस लेंगे ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हो गया है अभी हम प्याज़ और हरा धनिया को भी चॉपर में पीस लेंगे और चॉप किया हुआ प्याज और हरा धनिया इसमें मिला देंगे इसमें हम चिली फ्लेक्स मिलाएंगे और ज़ीरा मिला देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ये देखिए अभी हमने लिया है यहाँ चिकन बोनलेस उसमें हम डालेंगे नमक रेड चिली फ्लेक्स ब्लैक पेपर पाउडर काली मिरी पाउडर चिली पाउडर और इसको पीस लेंगे चॉपर में ही फिर इसमें हम डालेंगे पुदीने के पत्ते प्याज और इसको अच्छी तरह से घुमा लेंगे ज्यादा फाइन नहीं एकदम करना है हमको फिर इसमें हम डालेंगे अदरक लहसन एक अंडा और इसको कर देंगे इस तरह से हमने इसको करना है और फिर इसके अंदर हम बेसन मिला देंगे और हरी मिर्ची काट के डाल देंगे ये लिए है मैंने सफेद बटाने इसको रात भर भिगा कर रखा था सब इसके अंदर मैंने हल्दी और नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया है और अभी इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची और धनिया और जीरा पाउडर मिला है यहाँ लिया मैंने दही दही में मैं डालूँगी दो टेबल स्पून शक्कर नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे अभी बनाएंगे हम हरी चटनी उसके लिए है मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें इसको हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे इसमें डालेंगे हम लहसुन और नमक और इसको पीस लेंगे अभी हम ये देखिए पीस लिए अभी बनाएंगे हम इमली की चटनी यहाँ लिया है मैंने इमली का पल उसमें डालेंगे हम रेड चिली पाउडर नमक शक्कर और पानी मिला के इसको पीस लेंगे पीसने के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे और जितनी क्वांटिटी में हमने इसमें पानी यूज़ करना है उतना मिला देंगे इसमें काला नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ मैंने दो मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके रखी हूँ उसके अंदर हम हरा धनिया और नमक मिला देंगे अभी हम क्विक वाला चना बनाएंगे ब्लैक वाला उसके लिए मैंने लिया है तेल अदरक लहसन कड़ी पत्ता हरी मिर्ची जीरा डालेंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्ची पाउडर और दो टमाटर को मैंने पीस के रखा है वो मिला देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने इसमें भून लेना है और इसमें तला हुआ प्याज मिलाएंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और टमाटो केचप भी मिला देंगे अब इसके अंदर हम नमक मिलाएंगे और बॉईल किए हुए चने चनों को मैंने रात भर भिगा कर रखी थी और उसको नमक डाल कर बॉयल कर लिए मिला कर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे पाव ग्लास पानी डाल के हम इसको ढककर कर पाँच मिनट के लिए पकाएंगे अक्खा मसूर के भजिए के जो बैटर हमने बना के तैयार किए थे उसको हम डीप फ्राई करेंगे हाथों की मदद से उसको फ्लैट कर लेंगे और फ्लैट करके उसको अच्छे गरम तेल में तल लेंगे दोनों तरफ से इसको अच्छा फ्राई करके हमने निकाल लेना इस तरह से अब चिकन पकोड़े का जो बैटर है उसको भी हम डीप फ्राई कर लेंगे छोटे छोटे गोल पोशन हम ले लेंगे और इस तरह से इसको डाल देंगे उसको भी हमने डीप फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से हमने कलर आने देना है और फिर इसको निकाल लेंगे सेव पूरी की मैंने रेडीमेड पूरी ली है और जो आलू का बैटर हमने बना के तैयार किए थे वो इसके ऊपर लगा देंगे हरी चटनी डालेंगे फिर इसके ऊपर हम लाल वाली जो इमली की चटनी है वो डालेंगे चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और पीली वाली जो बारीक वाली सेव होती है वो डाल देंगे जो सेव पूरी वाला डालते हैं और हरा धनिया डाल देंगे हमारी सेव पूरी बनके तैयार है अभी हम यहाँ दही रगड़ा पूरी बनाएंगे उसके लिए मैंने पूरी को बीच में से फोड़ लिया है सबसे पहले हम यहाँ पे रगड़ा डालेंगे ठंडा वाला दही डालेंगे इमली की चटनी डालेंगे हरी वाली चटनी डालेंगे सेव डाल देंगे फिर ऊपर से वापस से हम दही डालेंगे हरी चटनी डालेंगे इमली की चटनी डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे